हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी एमटीएस 2019 के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। इंग्लिश सेक्शन के ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स ने ये मुझे भेजे हैं। सारी शिफ्ट के ये क्वेश्चन हैं, तो जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं उन क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब देखिए, ये इन क्वेश्चंस को करने से फ़ायदा क्या होगा, ये क्वेश्चंस आपसे आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्योंकि एसएससी में काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, करेज का सिनोनिम पूछा गया है। करेज क्या होता है? करेज माने होता है साहस या हिम्मत। तो इसके सिनोनिम्स, ये वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ब्रेवरी हो सकता है, गट्स हो सकता है, नर्व का मतलब भी करेज ही होता है, साहस। वेलर बहादुरी, डेरिंग ये एक एडजेक्टिव है, और ऑडेसिटी भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। तो जो भी आपको एग्जाम में मिला हो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लगा सकते हैं। और कॉवर्डिस का मतलब होता है डरपोक। कॉवर्डिस मतलब ये एडजेक्टिव है एक्चुअली, ठीक है। तो कॉवर्डिस जो होगा इसका एंटोनिम होगा। तो ये वर्ड पूछा गया है करेज, जो कि सिंपल वर्ड है, ज़्यादा कठिन वर्ड नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ह्यूमिलिटी। देखिए, एक होता है जैसे मौसम में ह्यूमिडिटी होती है, वो ह्यूमिडिटी होती है, उसकी स्पेलिंग होती है HUMIDITY, लेकिन ये ह्यूमिलिटी है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, घमंड नहीं होना। तो इसको, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हम्बलनेस, काइंडनेस, ये इसका सिनोनिम्स होंगे ह्यूमिलिटी के। काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये सारे वर्ड्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम्बलनेस, ठीक है, और काइंडनेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। और एरोगेंस, एरोगेंस होता है घमंड होना, घमंड उसको हम बोलेंगे एरोगेंस। तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा एरोगेंस। तो इन वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से देखिए, फोर्थ कमिंग एसएससी एमटीएस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिए। ये देखिए, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट। क्या मतलब हुआ इसका? प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, एक ऐसा व्यक्ति जो वो होने का नाटक करता है जो वो है नहीं, यानी पाखंडी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रिट। तो इसका आंसर होगा हिपोक्रिट, हिपोक्रिट इसका आंसर होगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिनोनिम पूछा गया है इनकरेज। इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, किसी को प्रमोट करना। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं हार्टन, प्रमोट, सपोर्ट और एग ऑन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे, ये फ्रेजल वर्ब है, एग ऑन, हार्टन, प्रमोट और सपोर्ट, ठीक है। और किसी व्यक्ति को यदि आप इनकरेज नहीं करते हैं तो उसको आप करते हैं डिस्करेज। तो डिस्करेज इसका एंटोनिम होगा, या इसका एक एंटोनिम हिंडर भी हो सकता है, इम्पीड भी इसका एंटोनिम हो सकता है। इंटेंसीफाई मतलब तेजी लाना किसी चीज में, तेजी से किसी काम को करना, जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट आपने सुना होगा। तो इंटेंसीफाई का मतलब होता है इंक्रीज या स्ट्रेंथन या रीइंफोर्स, ठीक है। तो इन वर्ड्स को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। स्ट्रेंथन मतलब तेजी से उसको और मजबूती से करना, डीपन मतलब और गहराई से उसको करना, सेम मीनिंग है। एग्जैजरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर कहना किसी चीज को, और एग्रावेट का सही मतलब है कि किसी चीज़ को बद से बदतर कर देना, कोई चीज़ पहले से बहुत बुरी है और उसको और ज़्यादा बुरी कर देना, एग्रावेट का मतलब ये होता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इंटेंसीफाई आप नहीं करते किसी चीज़ को तो उसको आप इम्पीड करते हैं या हिंडर करते हैं, ये इसके एंटोनिम्स हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। तो इम्पीड और हिंडर, इम्पीड एक्चुअली वर्ब है और इसका जो नाउन होगा वो होगा इम्पेडिमेंट, हिंडर का जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा हिंड्रेंस। तो इस तरीके से ये वर्ड्स बनते हैं। डीपन का मतलब भी वही होता है, रीइंफोर्स, ये भी एंटोनिम में पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा इंटेंसिफाई, इंक्रीज, रीइंफोर्स, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इनमें से जो भी वर्ड आपके एग्जाम में आया है वो आपका सही आंसर होगा। अबेट, मॉडरेट और सबसाइड। अबेट थोड़ा सा कम कर देना, डिक्रीज कर देना, मॉडरेट कर देना, सबसाइड कर देना। सबसाइड ये जो वर्ड है ये मेडिसिन में यूज़ होता है, जैसे जो पेन होता है वो सबसाइड हो जाता है। मॉडरेट कम होना, अबेट कम होना, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपसे पूछे गए हैं। सिनोनिम में एक पिनेकल पूछा गया है, ये तो सिंपल वर्ड है, पिनेकल का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, चरम बिंदु। तो इसके लिए एक्मे हम बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, पिनेकल के लिए। और नेडियर, ये इसका एंटोनिम होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेडियर का मतलब होता है बॉटम,
सबसे नीचे का पॉइंट, वर्टेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट, पीक, एक्मे और पिनेकल ऑफ सक्सेस जैसे हम बोलते हैं, सफलता के चरम बिंदु पर होना, ठीक है। तो इसके लिए एक्मे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपसे पूछा जा सकता है, नेडियर इसका एंटोनिम आपका होगा। ऑस्ट्रेसाइज, ये वर्ड मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं, ऑस्ट्रेसाइज एक्चुअली मतलब होता है किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर देना, समाज से बाहर निकाल देना, उसको बायकॉट कर देना, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेसाइज। काफ़ी अच्छा ये वर्ड है, और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि एग्जाम में एक्चुअली बायकॉट और एक्सकम्युनिकेट नहीं आया था, इसका जो सिनोनिम दिया था वो बैनिश दिया था, तो बैनिश इसका सही आंसर होगा, बैनिश, ठीक है। और किसी को आप ऑस्ट्रेसाइज नहीं करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, इम्ब्रेस करते हैं, रिसीव करते हैं, अप्रूव करते हैं, या बी फ्रेंड करते हैं, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम, किसके, ऑस्ट्रेसाइज के। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बेडंगा, अननेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, जिसकी अजीब सी शक्ल या सूरत है या अजीब सा शेप और साइज है, उसको हम बोलते हैं ग्रोटेस्क। तो ग्रोटेस्क के लिए अगली हो सकता है, ग्रॉस हो सकता है, बिजार हो सकता है, अगली, ग्रॉस और बिजार, ये क्या होंगे इसके सिनोनिम होंगे। लेकिन इसका एंटोनिम पूछा है ग्रोटेस्क, तो एंटोनिम होगा इसका नेचुरल, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड में पार्सीमोनियस की स्पेलिंग पूछी गई है, पार्सीमोनियस का मतलब होता है कंजूस, और पार्सीमोनियस के लिए सही जो स्पेलिंग है वो ये है, PARSIMONIOUS, पार्सीमोनियस कंजूस, ठीक है। और ये मेरे कोर्सेज हैं SSC के मैक्सिमाइजर के नाम से हैं ये, और ये इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, इनको यदि आप ज्वाइन करते हैं और इनको यदि आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम में गारंटी के साथ 90% तक आप स्कोर कर सकते हैं। ये एक साल का कोर्स है, इसकी फ़ीस है 2950, और 6 महीने का कोर्स है, इसकी फ़ीस है 1950। इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसमें 6 मंथ वाले कोर्स में 1 महीने की वैलिडिटी फ्री मिलती है, यानी ये 7 महीने का होगा, और 1 साल वाले कोर्स में 2 महीने की वैलिडिटी फ्री मिलती है, यानी ये 14 महीने का होगा। और SSC का ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, CGL के लिए, CPO के लिए, स्टेनो के लिए, MTS, CHSL के लिए, और इसमें पूरे सारे टॉप क्लास वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगे, और इसको करने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ idioms मैं और बताता हूँ आपको। एट स्टोन्स थ्रो, ये किसी शिफ्ट में पूछा गया है, एट स्टोन्स थ्रो, देखिए यदि आप पत्थर फेंकते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दूरी तक आप नहीं फेंक सकते, इसलिए एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, देखिए डैगर हम बोलते हैं जैसे जैसे एक किसी व्यक्ति पर अटैक करने के लिए तलवार या भाला जो होता है, ठीक है, दो व्यक्ति एक आमने सामने खड़े हैं और दोनों ने अपने अपने तलवारें खींच के निकाली हुई हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं, तो दुश्मनी के लिए एक्चुअली ये वर्ड यूज होता है, डैगर्स ड्रॉन, बिटर एनिमिटी, ठीक है। और टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, बर्बाद करना अपने समय को, पैसे को, रेकलेसली, लापरवाही से बर्बाद करना, दैट इज कॉल्ड टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। तो ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, और नेक्स्ट जो एग्जाम्स हैं SSC MTS के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए रहेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस मुझे वॉइस के मिले हैं, शी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, ये पास्ट सिंपल टेंस है, और ये इसमें सब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है, और ये है इसमें ऑब्जेक्ट। शी एक्सपेक्टेड, उसने उम्मीद की, किस चीज़ की उम्मीद की, गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो होगा गुड न्यूज़ वॉज एक्सपेक्टेड बाय हर, ठीक है। अ रेड ग्लास वॉज ब्रोकन, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बनाना पड़ेगा, और इसका एक्टिव एक्चुअली देखिए क्या होगा इसमें, अ रेड ग्लास वॉज ब्रोकन बाय समवन, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर बाय समवन होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में कोई ना कोई एजेंट होता है जिसको हम बाय के द्वारा लिखते हैं, तो बाय के द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब उसको आपको मानना पड़ेगा कि अ रेड ग्लास वॉज ब्रोकन बाय समवन, और ये समवन जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा समबडी ब्रोक द रेड ग्लास, समबडी ब्रोक अ रेड ग्लास, ये इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उनका मैंने एक वीडियो ये बनाया है, और आई होप ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहेगा, और आगे की शिफ्ट के जैसे जैसे क्वेश्चंस मुझे मिलते जाएंगे स्टूडेंट्स के थ्रू, उनके मैं वीडियो क्लासेस बनाऊंगा, और डेफिनेटली ये यूज़फुल आपके लिए रहेगा। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज
यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और मेरे ई कोर्सेज का डिटेल नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उनके थ्रू आप इन ई कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।